अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो क्या हाल चाल है? अल्लाह से दुआ सब खैर खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। और जी क्या सेंसेशन चल रहे हैं आप लोग के यहाँ? सर्दी सर्दी पड़ रही है कराची में, तो अल्हम्दुलिल्लाह सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं। इसके अलावा जी आज हम जा रहे हैं शॉपिंग पे। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? हाँ हैदरी। देखो मुझे इतना भी याद नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम लोग हैदरी भी जा रहे हैं और यहाँ पे हम पहुँच गए हैदरी में। ऑन दी वे थे हम लोग और यहाँ पर हम जाएंगे हैदरी की जो 12 मार्केट है वहां पे जाना है, क्योंकि हमें कुछ कपड़े लेने हैं। सो लेट स्टार्ट शॉपिंग। स्टार्ट करते हैं अपनी और आपको डिटेल में बताते जाएंगे यहाँ पे क्या रेट चल रहे हैं इस टाइम पे। और यार इस कदर रश हो रहा था, मुझे ये समझ नहीं आता रश इतना क्यों हो रहा है कि लोग कह रहे काम भी नहीं है और रश भी माशाल्लाह इतना रश था मार्केट में कि हम लोग हमें रात हो गई थी घर पे वापस जाते जाते। अच्छा जी, तो यहाँ पे हमने कुछ सूट चेकआउट किए बट हमें यहाँ पे कुछ समझ नहीं आया सूट्स। दैट्स व्हाई हम थोड़ा आगे की तरफ गए और यहाँ पे देखें ब्लैक कलर का सूट थोड़ा अच्छा लग रहा था मुझे, बट ये कासनी भी अच्छा लग रहा है, बट मैंने यहाँ पे रश ज़्यादा और था दैट्स व्हाई मैं यहाँ पे रुकी नहीं। कपड़े वपड़े पे मैंने प्राइस भी नहीं पूछे, मुझे कोई इतना खास समझ भी नहीं आ रहा था। फिर हम इस शॉप पर आए, यहाँ पे इनके पास वैरायटी भी अच्छी थी और प्राइस भी रिजनेबल थे। तो यहाँ पे एक मैंने ये रस्ट कलर का सूट लिया है और एक ये ब्लैक कलर का भाभी के लिए लिया है। और यार इसके इनका फैब्रिक था शिफोन में जॉर्जेट और बहुत अच्छा फैब्रिक था इनका। और ये 3,500 रुपये, सॉरी 3,000 का हमने वो सूट लिया था। फिर हम लोग थोड़ा आगे गए तो हमने यहाँ से अम्मी के लिए और बहन के लिए कपड़े लिए। ये आप देखें सारे इसके अलग अलग पीस थे, आगे बैक फ्रंट सब अलग अलग था। और ये जिंक कलर में इतना खूबसूरत लग रहा था। इसके अंदर और भी बहुत सारे कलर थे, ब्लू पर्पल और ब्लैक, बहुत सारे कलर थे। और ये हमें पड़ा था 3,500 रुपये का। इन्होंने रेट इसके बताया था हमें 3,000 रुपये, ये इनके दुकान का नाम वगैरह है। और ये हमें इन्होंने बताया था 7,000 के, और जब हम बार्गिंग वगैरह पे गए तो इन्होंने हमें दिया ये 3,500 रुपये का। इसमें एक ये कलर था ब्लू, नेवी ब्लू, और यार जबरदस्त किस्म का था, शिफोन जॉर्जेट पे था, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया। अब मैं सोच रही हूँ कि अपने लिए भी एक ये ले लूँ। और यहाँ पे इनके पास बहुत ज़्यादा वैरायटी थी, बहुत वैरायटी थी कपड़ों में शिफोन जॉर्जेट पे, कॉटन में भी थी इनके पास। इसके अलावा आप देखें यहाँ पे कितने ज़बरदस्त किस्म की इनके पास वैरायटी है, प्रिंट्स हैं और रेट रिजनेबल थे इनके पास, रिजनेबल रेट लगे मुझे बाकियों की नस्बत। इसके अलावा यहाँ पे इनके पास चिकन के थे, चिकनकारी के थे, ये 2,200 रुपये के सूट बता रहे थे। ये बार्गेनिंग करना आपका काम है, मतलब लेडीज इस चीज़ों में माहिर होती है। अब ये भी इनके पास जो था ये 2,200 रुपये का था, तो जो अम्मी ने भी लिया इसमें से एक, ये सूट मुझे नहीं पता, ये मैं इसे दिखा रही हूँ। अच्छा जी, तो ये सूट हमने एक इसमें से लिया चिकनकारी का, और ये लिया है, ये इन्होंने हमें 2,250 रुपये का बताया था और बार्गिंग वगैरह करने के बाद हमने लिया है 2,200 रुपये में। इसके साथ व्हाइट कलर की शलवार थी, शलवार भी है, 2 पीस है। इसके अलावा ये आप देखें फ्लैपर वगैरह के कपड़े हैं, ये 1,000 रुपये का आपको ट्राउजर का कपड़ा दे रहे हैं। नहीं, कपड़ा क्वालिटी वाइज बहुत बेस्ट है, सालों साल चलने वाला कपड़ा है। ठीक हो गया, अब हम जाते हैं थोड़ा आगे की साइड। और यहाँ पे यार ये मैंने मुंतहा के लिए देखा ये सूट, ये 5 साल की से बड़ी बच्ची का मुझे लग रहा था। और ये 1,000 रुपये की 3 कुर्तियाँ थी, लेकिन मुझे इसमें साइज छोटा लग रहा था तो मैंने सोचा अब इसको साथ लेके जाऊंगी मुंता को, फिर इसके लिए लूंगी कपड़े वगैरह। और ये जो व्हाइट वाला सूट है ये 2 पीस है, ये था 750 रुपये का और ये 700 में दे रहे थे। तो अच्छे थे यार कपड़े वगैरह, बहुत ज़बरदस्त आए हुए हैं हैदरी पे, आप ज़रूर चक्कर लगाएं यहाँ पे। और इसके अलावा ये लड़कियों के दे रहे थे कुर्तियाँ, 2 पीस, सॉरी ये 2 पीस था। यहाँ पे आप देखिए कितने सारे से प्रिंट्स वगैरह हैं, ये थे 1,500 रुपये के। लेकिन यहाँ पे मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगी, वहाँ पे सूट मुझे ज़्यादा अच्छे लगे। इसके अलावा यहाँ पे चप्पल वगैरह थी, यहाँ से शांजे की एक स्लीपर्स ली है मैंने, यही वाली। इसके अलावा खूसे बच्चों की इतनी वैरायटी थी इनके पास, खूसों में 500 के बच्चों के थे और बड़ों के हमारे साइज के थे जो, वो 750 के थे, ये 750 वाले ऊपर सारे कोल्हापुरी में थे। और इसके अलावा खूसों में थे, बहुत ज़बरदस्त रेंज आई हुई है। और अभी से इतना रश है तो आप सोचें रमज़ान और ईद के दिनों में कितना रश होगा। अच्छा जी, फिर हम आगे गए तो यहाँ पे हमें कपड़े नज़र आए 1,500 रुपये के 2 पीस। यार फैब्रिक आप चेक करें, शाइनिंग कितना मारा और फैब्रिक इतना सॉफ्ट था कि हाथ में लेते ही मज़ा आ रहा था। और प्रिंट्स आप इनमें कलर चेक करें, ब्राउन है, ग्रीन है, मेहरून है, इसके अलावा ब्लू है, बहुत अच्छे अच्छे प्रिंट्स कलर थे इनके पास। और इसके अलावा ये व्हाइट वाला मैंने अपने लिए लिया था, ये इसका मैं आपको कपड़ा चेक करवाती हूँ, बहुत ज़बरदस्त कपड़ा है यार, फैब्रिक बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा फैब्रिक है।
और ये आपको ये खाना फूड स्ट्रीट के बिल्कुल सामने है, दिनों जो फूड स्ट्रीट है उसके बिल्कुल सामने बैठे हुए हैं ये, बहुत जबरदस्त। इनके पास ये आप कलेक्शन देखें इनकी सारी, ये 1500 में 1500 रुपये में आपको क्या चाहिए, मतलब स्टी सूट और इतना जबरदस्त कपड़ा, क्वालिटी कपड़ों की बहुत जबरदस्त लगी मुझे। हमें लेना ही था फिर भी हमने ले लिया क्योंकि क्वालिटी वाइज बहुत अच्छे थे। फिर इससे आगे हम थोड़ा गए तो यहाँ पे ये 2000 रुपीज इसके एक ही दाम था, ये कम वम नहीं कर रहे थे, 2000 रुपीज का था ये सूट। तो ये आप चेकआउट करें, इसमें प्रिंट्स भी काफी थे, प्रिंट्स वगैरह भी मैं आपको चेक कराती हूँ। मारिया बी का था, सफायर के थे, इत्तेहाद के थे, और बहुत अच्छे अच्छे थे, मतलब चूज करना पड़ेगा आपको यहाँ पर आके। और 2000 फैब्रिक अच्छा था। तो यहाँ से हमने एक सूट खरीदा बहन के लिए, ये चेकआउट करवाए जा रहे थे और हमें फिर जो समझ आया वो हमने फिर इनसे बाय कर लिया। फिर हमने यहाँ पे इसे बादाम शदाम खरीदी। फिर हम थोड़ा आगे गए, यहाँ पे हमने यहाँ पे इतनी जबरदस्त इनके पास रेंज थी बच्चों के टोपियों वगैरह की जो सर्दियों में होते हैं, लेकिन प्राइस थोड़ी मुझे हाई लगे थे। ये 450 रुपये का एक बता रहे थे, मेरे ख्याल से 400 या 350 में दे देते, लेकिन इनके पास क्वालिटी वाइज भी अच्छी थी चीज़ें ले, और लुक वाइज भी बहुत अच्छा था। फिर हम थोड़ा आगे गए, आगे जा गए, अब मैंने सोचा कि अब चप्पलें लेते हैं, स्कार्फ, स्कार्फ का स्टॉलर मैं आपको आगे जाके चेकआउट करवाती हूँ। यहाँ पे स्टॉलर्स आप ये चेकआउट करें। अच्छा जी, तो ये स्टॉलर्स वगैरह इनके पास जॉर्जेट में भी थे, लॉन में भी थे, और काफी ज्यादा कलर थे। ये 400 to 350 के दरमियान में दे रहे थे, मतलब हमने जब पूछा तो उन्होंने 400 बताए थे, फिर हमने बोला यार आगे जाएंगे तो खुद ही आवाज करेंगे, तो इन्होंने हमें दिए थे 350 रुपये में। तो यहाँ से 2 स्टॉल में खरीदे। फिर यहाँ पे हम आए ज्वेलरी शॉप, ज्वेलरी पे ये आप चेकआउट करें, अफगानी ज्वेलरी है ये, और बहुत जबरदस्त किस्म का चकोर है ये। इन्होंने हमें बताया था ये इन्होंने दिया 450 रुपये का, ठीक हो गया। इसके अलावा यहाँ पे बैंगल्स वगैरह सेट्स वगैरह बहुत अच्छे थे, बहुत जबरदस्त क्वालिटी भी थी, और अंकल भी बहुत डिसेंट से थे, मतलब बहुत पोलाइटली बात कर रहे थे हमसे, सभी पोलाइटली बात कर रहे थे। इसके अलावा ये आप देखें ये पायल है, कितनी डिसेंट सी प्यारी सी नाजुक सी है ये, मेरे ख्याल से थी ये थी 250 रुपये की थी, और ये हाँ ये 250 रुपये की थी, बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छी लगी मुझे, बहुत पसंद है इस टाइप की, मतलब होती है ना नाजुक सी प्यारी सी, तो ये मुझे एंकल्स बहुत पसंद है, और ये वाला डिजाइन तो मुझे बहुत अच्छा लगा। 250 रुपये की दे रहे थे आप, अगर आपको आना होता है जरूर चेकआउट करिएगा। और ये वाला डिजाइन मुझे सबसे अच्छा लगा, ये भी एंकल थे, ये भी 250 रुपये का था। इसके अलावा आप ये देखें अफगान ज्वेलरी में मैंने ग्रे कलर का लिया था, तो यहाँ पे इनके पास गोल्डन भी था। फिर हम लोग बारी आई है हमारे बच्चों की एसेसरीज की, तो यहाँ पे क्लिप्स कैचर्स पे 100 100 रुपीज के बहुत जबरदस्त किस्म के मिल रहे थे, मतलब बहुत अच्छे एस्थेटिक टाइप की जो थी ना बच्चों की हेयर पिंस वगैरह वो थी, और 100 रुपीज की मुझे बहुत सही रिजनेबल रेट पे लगी। 10 में मैंने मुंतहा के लिए अच्छे खासे यहाँ से शॉपिंग कर ली, बैंगल्स वगैरह के लिए बैंगल्स ले लिए, और हेयर पिंस वगैरह ये आप देखें 100 रुपीज की, और एस्थेटिक लगती है, ये भी 100 का था, और ये मेरे ख्याल से 150 का था। इसके अलावा यहाँ पे ज्वेलरीज वगैरह बहुत अच्छी आई हुई है, ये आप देखें सिल्वर कलर में, गोल्डन कलर में भी था, ये काफी काफी इसमें डिजाइंस भी थी, झुमकियाँ वगैरह, रश और रश इस कदर हो रहा था कि बस अब दिमाग घूम रहा था, बस अब ये और तब जल्दी जल्दी घर चले जाए। लेकिन आपकी बहन को वीडियो बनानी थी, दैट्स व्हाई हमने बर्दाश्त किया और अम्मी को एक जगह हमने बिठा दिया था। ये आप देखिए शूज वगैरह के यहाँ पे स्टॉल थे, ये शूज सैंडल जो थी ये 1200 रुपये की थी, तो हमने वहीं रख दी क्योंकि मुझे 1200 की महंगी लग रही थी। फिर हम चलते गए रश में, और अब हम पहुंचे हैं यहाँ पे वापस कैचर्स वगैरह की दुकान पे। पिंस असल में मैं ढूंढ रही थी मुमता के लिए रिंग, तो वो मुझे मिली लेकिन 250 रुपये की, दो दे रहे थे वो अंकल, और मुझे एक्सपेंसिव लगी। और ये जो कैचर मैंने आपको बताया, ये जो कैचर्स ये 50 रुपीज़ का एक है, बहुत रिजनेबल रेट पे एस्थेटिक किस्म के हेयर पिंस कैचर्स वगैरह थे, और प्राइस भी सही थे, 50 रुपये में सही दे रहे थे अंकल, और बच्चियों के भी थे बड़ों के भी थे। इसके अलावा ये बैग्स वगैरह ये थे 2000 के भी, इसमें बैग थे 1500 के भी थे और 1600 के भी थे, मतलब 2000 तक के थे। और आप बैग चेक करें, बैग की क्वालिटी भी अच्छी है
और इतनी डिजाइन अच्छा जी। थी और कि, ये और जो ये जो आप ये आप सीपे देख साथ रहे देख रहे हैं हैं ना, ना फूड स्ट्रीट जो ये है है बनी हुई है, छह उसके सौ रुपए बिल्कुल में सामने सब है। यहाँ पे चप्पल कोई भी आप भी ले लें, छह सौ एक रुपए की सेल सेल लगाई थी स्टॉल इन्होंने, लगा हुआ था फूड और ये स्ट्रीट छह सौ सामने रुपए इनकी सेल लगी मैं हुई आपको थी। चेकआउट कोई भी आप ले लें, करवा बहुत देती अच्छी हूँ, स्लीपर्स थी ये मुझे बहुत सामने आप देखें पसंद फूड आई। स्ट्रीट है, फूड स्ट्रीट और के अच्छा जी बिल्कुल इसके अलावा सामने वीडियो ही बैठे पसंद हैं आए आप। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर इनका करें, इतना थारा लगा वीडियो हुआ को है। लाइक करें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।